brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। यूट्यूबर मनीष कश्यप जो कि अब यूट्यूबर से नेता बन चुके हैं, काफी दिनों से मनीष कश्यप काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार देखिए कि मनीष कश्यप की खूब चर्चा हो रही है, पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर के और फिर बीजेपी में शामिल होने को लेकर के। लेकिन अब मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा होने की वजह कुछ और है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो है वो फर्जी वीडियो मामले में जो अंदर जेल के अंदर गए थे उस मामले में अब बरी कर दिए गए हैं। बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप फर्जी वीडियो बनाने मामले में बरी कर दिए गए हैं और साक्ष्य के अभाव में मनीष कश्यप को कोर्ट ने बरी किया है। पटना सिविल कोर्ट की विशेष अदालत ने मनीष कश्यप समेत दो लोगों को बरी किया। फर्जी वीडियो मामले में ईओयू ने मनीष कश्यप पर दर्ज किया था मुकदमा, जिसकी वजह से मनीष कश्यप जेल में थे और मनीष कश्यप काफ़ी दिनों तक जेल में ही रह गए। और इसके अलावा भी मनीष कश्यप पर कई तरह के मामले दर्ज थे, लेकिन बीते महीने ही मनीष कश्यप जो है वो जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और निर्दलीय चुनावी मैदान में उन्होंने ताल ठोका। लेकिन निर्दलीय चुनावी मैदान में जैसे ही वो उतरे तो वह मनोज तिवारी के जरिए वो बीजेपी तक पहुंचे और फिर बीजेपी का दामन थाम लिया और नामांकन से पहले ही वो बीजेपी के नेता हो गए और अब मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब बड़ी जानकारी जो है वो ये सामने आ रही है कि साक्ष्य के अभाव में मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो मामले में, जो फेक वीडियो मामला था उसको लेकर के उन्हें अब बरी कर दिया गया है, जिसको लेकर के ईओयू ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। और बीते दिन जब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए तब भी आपने देखा वो ये बोलते नजर आ रहे थे कि वीडियो को लेकर के कोई प्रूफ अब तक सामने नहीं आया है। और अब देखिए कि बीजेपी में एक तरफ मनीष कश्यप शामिल होते हैं और दूसरी तरफ उन्हें कोर्ट से एक मामले में बरी कर दिया जाता है। इस बीच आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो है उन पर तमिलनाडु में प्रवासी बिहारी मजदूरों के साथ कथित मारपीट और हिंसा का फेक वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप लगा था। बेतिया में इसके अलावा रंगदारी मांगने का भी और मारपीट के मामले में भी उन पर केस दर्ज किए गए थे। बेतिया के केस में उन्होंने कुर्की जब्ती के बाद सरेंडर किया था। कई मामले में ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया था। उन्हें तमिलनाडु की पुलिस मदुरई ले गई थी। मदुरई जेल में काफ़ी समय मनीष कश्यप को बिताना पड़ा। उन पर रसुका कानून भी लगाया गया। बाद में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें बेऊर जेल में रखा गया और इतने कुल 9 महीने लगभग जेल में रहने के बाद मनीष कश्यप बीते महीने ही जेल से बाहर आए, उनकी रिहाई हुई जेल से बाहर और अब देखिए कि उन्हें इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे संवाददाता सुजीत गुप्ता ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।